गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग सब। वेलकम बैक टू माई चैनल फिट होम मेकर जर्नी में। तो मैं हूँ शुभश्री। तो अभी मैं किचन में हूँ, थोड़ी देर में चली जाऊँगी छत के ऊपर, क्योंकि शाम के टाइम छत के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह इतना ज़्यादा गर्मी होता है, उसके साथ ही साथ काम करना पड़ता है, तो इतना इरिटेशन फील होता है कि मैं बिल्कुल भी सूट करना पसंद नहीं करती हूँ। और उस टाइम हड़बड़ी में काम होता है, कुछ भी मतलब सिस्टमेटिकली कुछ भी नहीं होता है, जो भी हाथ में आए बस वो ही काम करते चलो। और सबसे मेन काम होता है खाना बनाना किचन में, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी होता है। और किचन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ना कोई फ़ैन है ना कुछ है। जैसे कि हम लोग खाना बना रहे हैं तो ऑफ करके बनाते हैं, और जब भी हम लोग कुछ साफ सफाई का किचन में काम करते हैं तो उस टाइम तो फैन चाहिए, लेकिन उस टाइम इतना ज़्यादा गर्मी होता है और विदाउट फैन का तो हालत ही ख़राब हो जाता है। और थोड़ा थोड़ा करके अभी कर रही हूँ, ये नीचे का हिस्सा जो है थोड़ा थोड़ा करके अभी क्लीन कर रही हूँ हाथ से, और सजा के रख रही हूँ। अभी प्रॉपर नहीं हुआ है। और मैं बाबू के लिए बना रही हूँ ओट्स। और गर्मी के मौसम में तो हमें भी कुछ भी तीखा या कुछ भी मसालेदार खाना खाने का मन ही नहीं करता, बस कुछ ठंडा वाला खाना हो जाए, हल्का फुल्का वाला हो जाए, वो अच्छा लगता है। और आज मेरी फास्टिंग है तो इसलिए मम्मी आज खिचड़ी बनाई थी, और खिचड़ी के साथ मुझे थोड़ा सा कुछ फ्राइड सब्जी अच्छा लगता है या कुछ मसालेदार। मसालेदार तो बिल्कुल खाना अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो इसलिए आलू का पकौड़ा मैंने बनाया था, तो उसी के साथ खाए थे। बाबू को खिचड़ी कभी पसंद होता है कभी नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी खाना उसको पसंद नहीं होता है। बस सुबह से थोड़ा सा मैगी खाया था, तो मैं सोच रही थी कि अभी थोड़ा सा ओट्स खिला दूँ। बाकी ओट्स उसके लिए बहुत ही अच्छा है, सब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ओट्स बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है। और भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मेरा बच्चा जब भी उसका तबीयत ख़राब होता है, कुछ होता है, कुछ खाए ना खाए, लेकिन ओट्स थोड़ा बहुत खाता है। तो अभी रिसेंटली उसका तबीयत जो है ख़राब हुआ था, तो उसकी वजह से उसका खाना खाने पीने का जो मन नहीं करता है उसका, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों का तो नहीं होता है, बड़ों का तो नहीं होता है, जब उल्टी होता है, जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तभी भी वो लोग नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो अभी तो उसका खाने पीने का जो चीज़ है बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो अभी थोड़ा बहुत ओट्स खा रहा है। जब भी वो ये सारी चीज़ खाता है ना, मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ, चलो भाई कुछ खाए ना खाए लेकिन ओट्स दूध वो खाएगा। तो इसलिए मम्मी ने बोला कि चलो हम लोग छत के ऊपर हैं, अच्छा भला ठंडी ठंडी हवा चल रही है छत के ऊपर, तो इसलिए बाबू के लिए वो अच्छा रहेगा। तो वो लोग चले गए हैं छत के ऊपर, मैं ओट्स बनाऊँगी, तो ओट्स और चाय थोड़ा सा बना के लेके जाऊँगी, थोड़ा सा छत के ऊपर ठंडी हवा का मज़ा लेंगे, वहाँ पर घूमेंगे। फिर आके मेरा किचन साफ़ करना है, अभी नहीं करूँगी, अभी बहुत मतलब बाबू के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है ना, तो चलती हूँ। अगर मम्मी है तो इसलिए सोच रहे हैं, मम्मी है तो जब नीचे आएगी मम्मी बाबू को संभाले कि मैं घर का काम कर लूँगी, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है कि ये घर का काम करके ही जाऊँगी, और उसके साथ थोड़ा बहुत तो मस्ती करना पड़ेगा। अभी बच्चे आ जाएंगे उसके साथ वो मस्ती करने लगेगा, तो इसलिए उसके साथ भी मस्ती करूँगी। तो इसलिए जब घर पर आऊँगी पसीना पसीना हो जाऊँगी तभी मैं काम स्टार्ट करूँगी। और आज भी बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो भी करना है। अभी मेरा डाइनिंग वो भी देख सकते हैं, और इसके ऊपर भी बहुत सारे सामान है, इसको भी अंदर डालना है। और सूरज हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, क्योंकि जो सूरज हम लोग मतलब नया वाला जो होता है ओकेजनल यूज़ करते हैं, उसको मैंने यहाँ पर रखा है। और इसके ऊपर का हिस्सा भी मैं थोड़ा बहुत ठीक करूँगी। यहाँ पे छोटा वाला ड्रॉअर, छोटा नहीं बहुत लंबा है मेरे साइज़ का है, तो यहाँ पे ये जो ड्रॉअर है 5 लेयर वाला, उसको भी ठीक ठाक करके उसके अंदर भी सामान डालना है, जो चीज़ें हम लोगों को चाहिए वो वाला सामान रखना है। थैंक गॉड मेरा मंदिर जो है वो ठीक ठाक हो गया, अभी कम्प्लीटली पूजा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और मशीन के ऊपर भी बहुत सारे सामान है, और स्टोर रूम में भी, स्टोर रूम का कुछ हिस्सा मैंने यहाँ पे अंधेरा है क्योंकि यहाँ पर बल्ब नहीं है, तो स्टोर रूम का कुछ हिस्सा मैंने ठीक ठाक कर लिया है, और नीचे का जो हिस्सा है उसको ठीक करना है। बस कुछ कुछ काम जो है वो रह गया, और जब भी सुबह सुबह मुझे मन करता है मैं अपने काम पे लग जाती हूँ, तभी मैं सूट नहीं करती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि पूरा काम ख़त्म कर लेती हूँ उसके बाद जो है सूट स्टार्ट करूँगी, लेकिन ना काम ख़त्म होता है ना मैं शूटिंग स्टार्ट कर पाती हूँ।
तो ऐसा डिस्टरबेंस चल रहा है तो बहुत दिन हो गए हम लोग ऐसे गर्मी से नहीं गुजरे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टॉयलेट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो कोई बात नहीं, जहाँ पर रहेंगे कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आएंगे, उसको भी हम लोग हैंडल करना चाहिए, उसको भी ठीक ठाक करके रहना चाहिए। और बस वही काम चल रहा है। तो चलिए मैं थोड़ी देर में जाती हूँ छत के ऊपर, बाबू को खाना खिलाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद आएंगे, उसके बाद जो है हमारा काम स्टार्ट होगा।